नेपाल में तैयार हुए सामान के साथ एक ट्रक को माटीगारा थाना की पुलिस ने बीती रात जब्त किया है। इस मामले में ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मनोज तामाङ है। बताया गया है कि नेपाल में दैनिक प्रयोग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को चोरी छिपे पहाड़ से सिलीगुड़ी के नया बाजार लाया जा रहा था, जिस कारण सरकार को टैक्स में भी घाटा हो रहा था। नेपाल में तैयार होने वाली सामग्री का मूल्य कम है, इसलिए कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नया बाजार का एक व्यवसायी लंबे समय से चोरी छिपे नेपाल से सामान मंगवाता था। बीती रात भी एक ट्रक इन्हीं सामानों को लेकर सिलीगुड़ी आ रही थी, तभी नाका चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से नेपाल में तैयार हुए सामान बरामद हुए। पुलिस ने जब इससे संबंधित वैध कागजात की मांग की तो ट्रक चालक कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक के साथ सामान को जब्त कर लिया। जब सामान का अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में ट्रक ड्राइवर मनोज तामाङ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।